खमा घनी आज हम बना रहे हैं, जो कि राजस्थान में बहुत ही बनती है हर किसी के घर में, लहसुन की चटनी। तो ये हमने एक पूरा पिंच जो ये हमने एक गाँठिया लहसुन का छील लिया है। अब हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट और धनिया पाउडर से, इन चार चीज़ों से हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। अब इन मसालों को हम मिक्सर में पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। ये हमने सब मसाले मिक्सर में डाले, हल्का सा पानी ऐड करेंगे और मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिक्सर में पीस लिया है। आप चाहो तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो। ये हमने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें एक बड़ा चम्मच तेल का ऐड किया है। अब हम इसको वगार देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी राई, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और कड़ी पत्ता, अब हमने जो पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, हमारी चटनी बनके रेडी है। हमने इसमें थोड़ा सा जो मिक्सर में साइड में रहा था उसमें पानी ऐड करके उसमें ऐड किया है। तो अभी अभी हमने इसको वगार दे के 5 मिनट वगार दे के उसको फास्ट फ्लेम पे पकाया है। मतलब अभी देखो, जैसे तेल छोड़ दिया, तो हमारी चटनी बनके रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लें। ये देखिए, हमारी लहसुन की चटनी बनके रेडी है। सिर्फ झटपट 4 इंग्रेडिएंट्स से हमने इसे बनाया है। एक आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।